हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आप लोगों के लिए आज मैं एक टॉपिक लाया हूं जिसमें हम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली वन सेल्ड, दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। दे कैन बी डेंजरस सच एज व्हेन दे काउज इन्फेक्शन, या बेनिफिशियल एज इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन सच एज इन वाइन एंड दैट ऑफ डिकम्पोजिशन। वायरस, लिविंग थिंग्स टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप, डेट काउज डिजीज इन पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट। प्रोटोजोआ अ पैरासाइटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डेट कैन ड्राइव ओनली विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया इज काउज बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। हमारा पहला डिजीज है पायरिया। तो पायरिया के बारे में देख लेते हैं। तो पायरिया में जो इफेक्टेड ऑर्गेन यानी जो प्रभावित अंग है वो क्या है, तो वो आपके दांतों के जड़ है, मसूड़े हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो पैथोजेंस या प्रोटोजोआ के नाम के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके वजह से पायरिया होता है। तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस, ये जो एंट अमीबा जिंजिवेलिस है इससे पायरिया होता है। और हम इसके लक्षण के बारे में देखें तो लक्षण में मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव तथा मवाद का निकलना, ये इसका मुख्य। हमारा सेकेंड डिजीज है डायरिया। डायरिया यानी दस्त। तो दस्त में जो प्रभावित अंग हैं वो कौन से हैं, तो बड़ी आंत जो होता है वो बड़ी आंत बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है। और अब हम बात करें परजीवी के नाम की यानी जो प्रोटोजोआ है उसके नाम की बात करें तो ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये जो परजीवी है जिसके वजह से क्या होता है वो दस्त वाला प्रॉब्लम होता है यानी जो डायरिया है उसमें होता है। डायरिया में आपको पता ही है, डायरिया में आदमी जो होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है डायरिया में। और हम बात करें इसके लक्षण की बात करें, इसमें रोग में क्या लक्षण है, तो बड़ी आंत में सूजन हो जाना, दस्त का बार बार होना और पेट में दर्द, ये सारे शिकायत होती है जो पेशेंट होते हैं डायरिया से रिलेटेड। हमारा थर्ड डिजीज है काला जया, जिसको हम लोग ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इफेक्टेड ऑर्गन की बात कर लें तो लीवर और स्प्लीन, ये दोनों जो ऑर्गन होते हैं ये इफेक्टेड होते हैं इसमें। अब हम लोग प्रोटोजोआज के बारे में भी देख लें तो कौन से प्रोटोजोआ जिसके वजह से काला जया होता है, तो लिस्मानिया पैरासाइट्स यानी लिस्मानिया डोनोवानी जो है, आपने नाम भी सुना होगा लिस्मानिया डोनोवानी की, तो ये जो प्रोटोजोआ है जिसके वजह से काला जया होता है। और हम बात करें कि इसमें लक्षण क्या होता है, तो मेन लक्षण यही है स्वेलिंग, जो लीवर होता है, स्प्लीन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाता है। अपने चौथे डिजीज के बारे में देख लेते हैं तो मलेरिया। मलेरिया में जो इफेक्टेड सेल्स होता है वो रेड ब्लड सेल्स है, जिसको कि हम लोग हिंदी में लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं। और हम बात कर लें कि प्रोटोजोआ के नाम की कौन से प्रोटोजोआ है जिसके वजह से मलेरिया होता है, तो इसमें से प्लास्मोडियम विवेक्स, प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लास्मोडियम मलेरिया, प्लास्मोडियम ओवल। और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होता है वो इंसान जो होता है कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लास्मोडियम विवेक्स यानी जो हमारे इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लास्मोडियम विवेक्स के ही केसेस आते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि इसमें रोग के लक्षण क्या हैं, तो इसमें जो होता है फीवर बहुत ज़्यादा होता है, सिर में दर्द होता है और कमर में दर्द, ऐसे पेशेंट की शिकायत होती है कि ये जो बीमारी से जो भी ग्रसित लोग होते हैं उनकी ये सारी शिकायत होती है। हमारा पांचवा डिजीज़ है स्लीप डिसऑर्डर, जिसको कि हम लोग हिंदी में जो है निद्रा रोग भी बोलते हैं। तो इसमें जो प्रभावित अंग के बारे में बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, हार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और यदि हम बात करें प्रोटोजोआ के नेम की बात करें तो कौन सा प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में आपका ट्रिपोजोमा गैम्बियंस, जो ट्रिपनोजोमा जो गैम्बियंस होता है ये इसके वजह से ये स्लीप डिसऑर्डर होता है। और यदि हम रोग के लक्षण की बात करें तो इस रोग में बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर होता है और बेहोशी जो रोगी होता है वो बार बार बेहोश होता है। और भी हम बात करें तो जो रोगी होता है वो लॉन्ग टाइम स्लीपनेस यानी जो लंबे समय तक वो सोता ही रहता है रोगी जो होता है।
हमारा छठा डिजीज़ है डिसेंट्री, जिसको कि हिंदी में हम लोग अतिसार या पेचिस भी बोलते हैं। अब इसमें हम इफेक्टेड ऑर्गेन को देख लें तो इंटेस्टाइन, यानी जो हमारा आंत का जो अगला वाला भाग होता है वो इसमें इफेक्टेड होता है। और हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि कौन से प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होता है, तो जियार्डिया लैमलिया इससे डिसेंट्री काउज होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो सिर में दर्द होना, दस्त, और कभी कभी पीलिया जो रोग होता है यानी जो जॉन्डिस वाला शिकायत भी होता है कभी कभी, ये सारे इसके लक्षण हैं। हमारा सातवां डिजीज है अमीबियोसिस, तो अमीबियोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो अमीबियोसिस को हम लोग हिंदी में भी अमीबियोसिस ही बोलते हैं, और इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गेन है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत है, वो बड़ी आंत का कौन सा पार्ट यदि पूछा जाए कभी, तो कॉलन वाला जो पार्ट है, तो कॉलन वाला पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है इसमें से। और यदि हम बात करें कि प्रोटोजोआ के बारे में देख लें, तो कौन से प्रोटोजोआ जिसकी वजह से अमीबियोसिस होता है, तो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से अमीबियोसिस होता है। और यदि हम रोग के लक्षण के बारे में बात करें, तो कॉलन यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलम वाला जो पार्ट है उसमें स्वेलिंग होता है, और साथ में दस्त का आना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका। हमारा आठवां डिजीज़ या और लास्ट डिजीज़ है आज का, गेनोरिया। तो गेनोरिया के बारे में देख लेते हो, गेनोरिया में जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो यूरिनरी ट्रैक होता है। और प्रोटोजोआ के बारे में देख लें, कौन से प्रोटोजोआ की वजह से गेनोरिया होता है, ये रोग होता है, तो ट्रेकोमोनास वेजनालिस, ये जो आपका प्रोटोजोआ है इसकी वजह से गेनोरिया होता है। और कभी कभी आप ट्रेपोनोमा प्लेडियम के बारे में भी सुनते हो, इसके भी गेनोरिया होता है। और हम इसके लक्षण के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जलन की शिकायत होती है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जो होता है वो इरिटेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।